नमस्कार, आज मैं सिंधी स्टाइल दाल पकवान बनाने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, राजस्थान में भी बनाई जाती है। बेसिकली ये सिंध की रेसिपी है। इसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर लिया अपने हिसाब से। वो आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ। इसके लिए जो सामग्री ली है वो यहाँ पर रखी है। ये पकवान बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है। इसके लिए केवल एक टेबल स्पून सूजी ली है। आप सूजी ऑप्शनल है, नहीं भी डालें तो डाल चलेगा। और इसमें थोड़ा सा नमक डलेगा, ये अजवाइन है और ये ऑयल है जिससे मोइन डलेगा, और ये मैंने पानी लिया है। अब मैं दाल के लिए बता देती हूँ आपको। ये ओवरनाइट सोक दाल है, हींग है, सौंफ है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, अमचूर है, ये समूची लाल मिर्च है सूखी हुई, और ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये अदरक कसी हुई, इन सबको, और ये जो दो चीज़ें हैं मैंने रख रखी हैं, ये गार्निशिंग में काम आएंगी लास्ट में। इसके साथ हम हरी चटनी, लाल चटनी और हरा धनिया वगैरह सब इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने ऑयल लिया है तलने के लिए, और इसमें घी लिया है छौंक लगाने के लिए। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिलीज होते ही मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कुकर में दाल चढ़ाने रख देती हूँ, इतनी देर में आटा तैयार कर लूंगी। ये ओवरनाइट सोक दाल है, ऐसा लग रहा है बड़ी अच्छी से जल्दी गल जाएगी। ये जितना हम दाल लेते हैं उससे डेढ़ा पानी लेते हैं, नाप के लिया है ताकि कम ज़्यादा ना हो। इसी में मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, कम ज़्यादा हम बाद में चख भी सकते हैं। थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ, सौंफ डालने से हजम हो जाती है ये, और जरा सी हींग भी डाल रही हूँ। हींग बाद में भी डालेंगे छौंक में, थोड़ा सा हींग उबलते टाइम भी डाल रही हूँ। अब मैं इस कुकर को बंद करके चढ़ा देती हूँ गैस पे। इसको तीन चार सीटी तक देख लेंगे, ये गल जाएगी। मैदे में मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं अजवाइन खाने को हजम करती है, गैस से बचाती है। जैसे चने की दाल के साथ खाया जाता है ये, तो चने की दाल गैस बनाती है। मैंने नमक इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल मिलाते हुए डालूंगी, जिससे कि इसका मोइन के लिए इसको क्रम्बल कर लेंगे। ये क्रम्बल हो गया है, देखिए जब इसका लड्डू बनने लगे इसका मतलब इससे मोइन अच्छी तरह से आ गया। अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इसको हमें टाइट डो बनाना है, इसका कड़क आटा नहीं तो ये नरम हो जाएगा, और हमें क्रिस्प चाहिए, पकवान क्रिस्प ही अच्छे लगते हैं। ये अब काफ़ी कड़क बन गया है, इसको मैं 20 मिनट 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। ये देखिए दाल बिल्कुल गल गई है, खूब अच्छी जैसी हमको चाहिए ऐसी तैयार है। और इसको मैं अब इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ। मैंने घी गरम कर लिया है, इसमें मैं अब जीरा तड़काऊंगी। जब ये क्रैकल करने लगे इतना इसको हमें गरम करना है घी को। अब ये घी गरम हो गया है, अब जीरा भी तड़कने लगा है। इसके साथ मैं एक होल मिर्च डालूंगी समूची वाली, और फिर इसके साथ थोड़ा सा हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट रखी थी उसको मिलाती हूँ, साथ में थोड़ा सा अदरक। ये हम सभी को पता है कि अदरक बहुत ही लाभकारी है, चने की दाल में खास तौर से बहुत ज़रूरत होती है इसकी, इसको डालना बहुत ज़रूरी है, इससे वात का प्रकोप कम होता है। मैं इसमें हींग पहले इसलिए नहीं डाला ताकि जले नहीं,
अब मैं हींग डाल रही हूँ। हींग भी वात के प्रकोप को कम करता है। अब ये अच्छी तरह भुन गया है और मैं इसमें मिर्च भी डाल रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें तेज़ी बिल्कुल कम होती है, कलर ज़्यादा देता है। इसमें मैं अमचूर मिला रही हूँ और मिला के इसको चला देते हैं अच्छी तरह। अब इसमें छौंक भी मिला देती हूँ जो मैंने बनाया है तड़का। ये रेस्ट पे आटा हो गया तैयार। अब मैं इसको इसकी लोइयां बना लेती हूँ। इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं और फिर इसकी लोइयां बना लेते हैं। एक दो बना के दिखाती हूँ आपको, फिर बाद में बनाऊंगी इसको काट के। हम इसकी साइज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो मैंने साइज़ थोड़ा छोटा ही लिया है, बहुत बड़ा नहीं लिया है। ठीक ठीक है, ये मीडियम साइज़। जहाँ तक हो सके इसमें सूखा आटा नहीं लगाना चाहिए, मतलब डस्टिंग के लिए। ज़रूरत पड़े तो चिकना ही लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, ये नहीं लगाना चाहिए, वो ख़राब लगता है। इसको सुंदर बनाने के लिए एक शेप में काट लेते हैं, जितने साइज़ का चाहिए इसको, ताकि ये फूले नहीं, इसलिए इसमें छेद करने ज़रूरी हैं, वरना ये फूल के पूरी जैसा हो जाएगा। इसको इतना पतला बेल लिया है और अब मैं इस साइज़ के काट लेती हूँ, ताकि देखने में सब एक से अच्छे लगेंगे, सब एक साइज़ के बनेंगे। इसको पहले चेक कर लेते हैं कितना गर्म हो गया। सही गर्म हो गया है तेल, और अब मैं इसमें इसको तलने के लिए डाल देती हूँ। इसको हमें क्रिस्प सेकना है बिस्किट कलर में। ये थोड़ी गर्मी की मौसम है ना, इसलिए आटा बड़ी जल्दी से बाहर रखते ही नरम हो जा रहा है। कोशिश ये करें कि ये ठंडा ही रहे, गर्मी से पिघले नहीं। हालांकि पूड़ियां जैसी फूल नहीं रही है, अच्छे से बन रहे हैं पकवान, बिल्कुल जैसे बनने चाहिए वैसे ही बन रहे हैं, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गर्मी का। मैं एक चीज बतलाना भूल गई, कुछ लोग इसके अंदर आटे में हल्दी भी मिला लेते हैं येलो कलर के लिए, तो थोड़ा सा आपकी इच्छा है, आप चाहें तो मिला सकते हैं। मैंने मैदे के साथ कोई कलर नहीं मिलाया, मुझे नेचुरल शेड ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी क्रिस्प बन रही है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, और बहुत सुंदर बिस्किट कलर आया है।
ये सिंधी दाल पकवान तैयार है। इसको गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया भी ले सकते हैं, मैंने प्याज और टमाटर ये सब लिया है, जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बतला दूँ, कुछ लोग इसमें लहसुन डालना चाहते हैं तो आप चौक में लहसुन ले सकते हैं, मैंने लहसुन नहीं डाला है। और जो भी चीज़ सौंफ डाली है या अजवाइन डाली है या अदरक डाली है, ये सब वात को कम करते हैं और चने की दाल इस प्रकार से कोई नुकसान नहीं देगी। और ये सब हम बड़े चाव से शौक से खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली रेसिपी तक के लिए नमस्कार।